हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मन्नत नर्सिंग एकेडमी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है रीजनिंग। रीजनिंग बहुत इजी पार्ट है। जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम होता है, लाइक एस MNS, DSSSB, PGI, JIPMER, BSC एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सभी में 5 to 10% रीजनिंग पार्ट पूछा जाता है। बट बच्चों को लगता है ये टफ है, जबकि सबसे ईजी है। रीजनिंग पार्ट करने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए बस, जो मेरा मानना है। फर्स्ट थिंग इज नंबर्स। नंबर्स आपको पता है, नंबर से पहले कहता हमारे पास डिजिट, डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट से ज्यादा है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था नोटसेट में 2016 में, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट ऑन द टेलीफोन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट ऑन द टेलीफोन नंबर। तो डिजिट में जीरो भी आता है, इट मीन जीरो मल्टीप्लाई समथिंग इज जीरो, राइट आंसर इज जीरो। डिजिट के बाद बना नंबर। नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, जो कि हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है 5th, 6th में, 1 से अप टू सो इनफिनिटी नेचुरल नंबर्स। देन स्टार्ट फ्रॉम जीरो होल नंबर, 0, 1, 2, 3, 4 होल नंबर। एक आता है उसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर। कॉन्स्टेंट नंबर क्या होता है, जैसे मैं स्टेप चलता हूं, स्टेप फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दिया 5, 10, 15, 20, इनके बीच का डिफरेंस 5, इनके बीच का डिफरेंस 5, इनके बीच का डिफरेंस 5, तो 5 क्या हो गया हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर। जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट नंबर पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकता है, -2, -2, -2, -5, -5, -7, -7, कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम देख लो, आप स्टेट का देख लो, कोई भी एग्जाम, कोई भी बुक उठा के देख लो, एक क्वेश्चन तो रेशियो प्रोपोर्शन का एग्जाम में आता ही आता है। रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, बिल्कुल इजी वे है। आपको बता दिया एक चीज, आपको पता होना चाहिए नंबर्स। नंबर्स में आपको बता दिया डिजिट, डिजिट नेचुरल नंबर, होल नंबर, लाइक द कांस्टेंट नंबर। उसका दूसरी चीज हमें क्या पता होनी चाहिए, जो हम जानते हैं इसके लिए, अल्फाबेटिक। सबको पता है ABCDEFGH up to so and so Z। सिर्फ हमें यह पता होना चाहिए ए स्टैंड कर रहा है 1, B2, C3, D4, E5, लाइक दिस। ये चीज पता चल गई एग्जाम बिल्कुल क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब देखो जैसे रीजनिंग में क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन पूछेगा ABCDEFGH प्रोपोर्शन IJKL क्वेश्चन मार्क। जहां ये चार डॉट्स लग जाते हैं हमारे पास, फोर डॉट्स लग गए ये, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये प्रोपोर्शन। दो डॉट्स है रीजनिंग, कंफर्म चीज है। एग्जाम में अल्फाबेट चेंज हो सकता है, ABCD का P क्यू आर एम आगे पीछे भी हो सकते हैं। प्रोपोर्शन चार डॉट्स हैं, दो डेट, क्वेश्चन मार्क भी चेंज हो सकता है, क्वेश्चन मार्क यही लगा दे, हो सकता है क्वेश्चन मार्क यहां कर दे, हो सकता है क्वेश्चन मार्क यहां कर दे, हो सकता है क्वेश्चन मार्क कहीं भी कर दे, डजंट मैटर। बस हमें एक चीज देखनी है, ए सबसे पहले 1, B2, C3, D4, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। और कहीं भी किसी भी बुक में यह नहीं लिखा है कि जेड के बाद दोबारा से ए आता है। इस चीज को दिमाग में बैठा लो, जेड के बाद ए नहीं आता, वो नंबर अलग चीज है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा उसने ABCD, हमने पहले लिख लिया एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, हमारे पास क्वेश्चन है ABCDEFGHIJKLMN क्वेश्चन मार्क यहां डाल दिया। आपको पहले बता दिया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क कहीं भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। अब क्वेश्चन पूछने का मेथड है, हमें रीजनिंग कर रहे हैं, हमें एक चीज पता होनी चाहिए रीजन। उसने ये चीज लिखी है ABCDEFGH, क्यों लिखा है ऐसा, ये रीजन हमें मिल गया, समझो हमारा क्वेश्चन हो गया। रीजन क्या है, इस ए और ई में क्या रिलेशन, हमें ये चीज देखनी है। ए कहां है, ये ई कहां है, ये क्या है रीजन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3। और दूसरी चीज ए टू ई, ए बी सी डी ई मीन आगे को बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ए और ई में 3 का डिफरेंस है, हमने लिख लिया यहां पर प्लस के 3। बी और एफ में क्या है, बी कहां स्टैंड कर रहा हमारा, ये एफ कहां है, ये बी और एफ में सेम प्लस का 3 आ रहा है, सी और जी में प्लस का 3 आ रहा है, ई डी और एच में प्लस का 3 जा रहा है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हिमाचल के स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी भी पूछ सकी है, नेरचौक में है। उसमें क्या पूछा गया, सीएचओ का एग्जाम हुआ जब 2018 में, जो क्वेश्चन सेम एज पूछा गया था, उसने लिखा था IJKLMN। बच्चों ने 90% बच्चों ने क्या बोल दिया कि यह क्वेश्चन का आंसर गलत है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, जबकि ऑप्शन इसके अंदर है। अब देखो यहां बन गया 3, 3, 3, 3, 3 का डिफरेंस आ गया। अब IJKL
आई के बाद तीन का अगर डिफरेंस देखेंगे जे के एल, यानी कि एम बच्चों ने सोचा ये राइट आंसर है एम, उसके बाद दूसरे बच्चे ने क्या सोचा जे के बाद के एल एम, एन भी आ गया ठीक है, लेकिन जब तीसरा अल्फाबेट आया के बाद तीन छोड़ के एल एम एन ओ आना चाहिए, वो तो पी है, तो बच्चों को लगा शायद ये क्वेश्चन गलत है, जबकि गलत नहीं है, राइट आंसर इसी के अंदर है। राइट आंसर क्या है आपके पास, पी क्यू आर एस, राइट आंसर इज पी क्यू आर एस। क्यों है ये सही राइट आंसर, इसको ही क्यों माना गया, देखो आई के बाद अगर मैं लिख दूं यहां पर पी क्यू आर एस, फॉर एग्जाम्पल आई और पी का डिफरेंस कितना है, आई यहां रहा जे के एल एम एन ओ, यानी कि सिक्स का डिफरेंस आ रहा प्लस में, जे और के ओ का प्लस का सिक्स का डिफरेंस है, के और आर का प्लस का सिक्स का डिफरेंस है, एल और सिक्स का डिफरेंस है, राइट आंसर सी बन रहा है, बिकॉज इट्स ए कॉन्स्टेंट नंबर। कॉन्स्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है, कहीं भी ये नहीं लिखा कि कॉन्स्टेंट नंबर 2222 ही है या 333 है या 44 है, सिर्फ रीजन क्या था, कॉन्स्टेंट नंबर का रीजन है पर्टिकुलर 333 नहीं करा गया। सेम क्वेश्चन नोरसेट ने पूछ लिया था 2019 में, अगर किसी ने एग्जाम दिया होगा तो, उसमें क्वेश्चन दे दिया ए ऑप्शन में एम एन ओ पी, बी ऑप्शन में दे दिया एन एम ओ पी, सी ऑप्शन में दे दिया उसने पी क्यू आर एस, डी ऑप्शन में उसने क्या दे दिया क्यू पी आर एस। अब राइट आंसर कौन सा होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे राइट आंसर इज सी, जबकि राइट आंसर इज ए। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं एग्जाम दे दिया हमारी ओर से राइट आंसर है सी, हम सोचेंगे एम्स वालों ने कुछ गड़बड़ की है, एम्स वालों ने कोई गड़बड़ नहीं की, किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की है, सिर्फ हम सोच, हमारी सोच है। देखो बेटा राइट आंसर तो सी भी है, राइट आंसर ए भी है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर क्या है 333 का डिफरेंस है, यहां पर क्या है सिक्स का है, अगर 33 क्या है ए ऑप्शन राइट आंसर, क्यों प्रायोरिटी बेस्ड, प्रायोरिटी बेस्ड। कई बार क्या होता है, हमने जो देखा है बच्चे हमारे पास कंप्लेंट करते हैं कि सर कुछ पढ़ा रहे हैं हमें, सर कुछ पढ़ा रहे हैं बुक में कुछ और लिखा है, बेटा जी एक चीज को ध्यान रखना हमेशा, ट्रस्ट ऑन टीचर्स, टीचर्स अपडेटेड है, बुक में क्या है एक पब्लिशर्स ने बुक छाप ली 5,00,000 बुक, वो तो अपडेट कब करेगा 5,00,000 बुक बिकने के बाद, टीचर तो अपडेट हर 2 महीने बाद हो जाता है, और सेम चीज यही है प्रायोरिटी बेस्ड, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, टीचर ने बहुत चीज बता दी जो अपडेटेड है, प्रायोरिटी में क्या पूछा जाता है, बुक को थोड़ी पता है, जो भी पढ़ना है सही पढ़ना है। अब ये तो अगर नोट सेट में सेम क्वेश्चन रखा उसके आगे किस फॉर्म में पूछ सकता, वो देखो जैसे उसने पूछ लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन से पूछ लिया ए बी सी डी सी ई जी आई आई जे के एल, आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया, कोई एनी आइडिया, देखो बेटा सेम एज इट इज, हम रीजनिंग पढ़ने पहले बता दिया रीजनिंग में क्या है, अगर मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो समझ लो रीजन है, अगर मैं यहां से एक स्टेप भी आके उठाऊंगा तो समझ लो रीजन है, मैं चलना चाहता हूं, रीजनिंग का मतलब भी यही है, सेम चीज वही देखनी है ए और सी, ए और सी में अब क्या है ए बी सी यानी कि प्लस का बन रहा, बी और ई में बी के बाद सी डी प्लस का 2 रहा, सी और जी में प्लस का 3 रहा, डी और आई में प्लस का 4 रहा, हमें यहां से पता चल गया, मैंने स्टार्टिंग में बोला था नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, बेटा कांस्टेंट नंबर डिफरेंट हो सकते हैं बट नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 ही है, यहां भी यही है, पंजाब हिमाचल किसी भी ऑल इंडिया में चले जाओगे नेचुरल 1, 2, 3, 4 ही रहेगा, इसका मतलब जो इसका राइट आंसर है वो आई के बाद एक छोड़ के क्या आएगा जे फिर के, देन जे के बाद 2 छोड़ा के एल एम, के बाद 3 छोड़ा एल एम एन ओ, एल के बाद 4 छोड़ेंगे एम एन ओ पी एंड क्यू, राइट आंसर इज ए, नो चैलेंज, राइट आंसर ए है तो ए है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 इज 1, 2, 3, 4, एक दो उससे भी अगर एम्स ऊपर जाता है एक स्टेप और उठा लिया उसने तो क्या करेगा, उसने क्वेश्चन दे दिया सी डी ई एफ प्रोपोर्शन टू ई बी एच सी, सेम एज इट इज, आ जाओ वापस, अब क्या है रिलेशन सेम, बात मैथड एक ही है, पूछने का उसका वे अलग हो सकता है, सी और ई में क्या है सी डी ई यानी कि एक आगे चला गया, डी और बी में क्या है बी सी डी पिछड़ गया, एक आगे गया ये एक पीछे आया, तो ये माइनस का प्लस मान लिया हमने, ई एच ई के बाद एफ जी यानी कि प्लस के 2 आगे बढ़ा वो, F के बाद C D माइनस के 2, इससे ऊपर एम्स की भी हद नहीं है पूछने की।
ये बात कंफर्म है। वो ये पूछ सकता है प्लस का वन प्लस के टू प्लस के थ्री माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, या वो ये पूछ सकता है प्लस का वन प्लस के टू माइनस के टू माइनस के वन, लेकिन रीजन इसी के बीच है। अगर किसी ने 2024 में सितंबर का एग्जाम दिया था तो एग्जाम आपको भी याद होगा क्वेश्चन कौन सा पूछा था, उसमें क्या पूछा था उसने, पहले प्लस वन प्लस टू फिर माइनस टू माइनस वन, भाई रीजन बनाओ। अब इसमें क्या पी के बाद एक ऐड होगा क्यू एंड देन आर, आर हमें पता चल गया आर से या तो ऑप्शन ये होगी या फिर ऑप्शन ये, दो ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट होगी, सीधी सी बात है। क्यू के बाद अब एक आगे एक शीशे एम एन ओ, ओ भी इसमें भी है इसमें भी, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। देन आर के बाद दो प्लस जाएगा आर एस टी एन यू, राइट आंसर इज बी। बेटा ध्यान रहे टाइम कैसे सेव करना है, अकेडमी में आने का यही मतलब है कि हमें टाइम कैसे सेव करना, अदरवाइज तो बच्चा घर में बैठ के भी पढ़ सकता है। टाइम सेव करने का हमें बाकी ऑप्शन देखने की नीड ही नहीं है, तीसरे स्टेप पर पहुंचे और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट आंसर इज डी। अब आगे होगा आपको सभी को समझ, बेटा देखो फिर बता दिया रीजनिंग ऐसा पार्ट है कि इजीली हो सकता है। अब देखो इससे भी ऊपर एम्स अगर पूछेगा, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ ये, आ जाओ क्वेश्चन आप करके दिखाओ, क्वेश्चन मार्क उसने पहले डाल दिया, क्वेश्चन मार्क पहले लिख दिया ए एल के एल ओ प्रोपोर्शन टू डब्ल्यू ओ यू एल डी डैश टी एल आर आई ए। अभी मैंने ऑप्शन नहीं लिखी क्योंकि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस देखना चाहता हूं। एनी आइडिया? एक चीज ध्यान रहे कि चाहे आप 2 प्लस 3 कर दो या 3 प्लस 2 कर दो, बात एक ही है। मैंने बोल दिया आप मेरे सिस्टर हो, आपने बोला सर मेरे ब्रदर हैं, बात एक ही है, सिर्फ सोचने का अपना अपना तरीका है। मैंने पहले बोला क्वेश्चन कर, अब देखो ये वाली साइड कंप्लीट है, यहां से रिलेशन देखो, इस समय देखना क्या डबल जू और टी का देखना, सॉरी यू और एल का देखना है, इस यू और आर का, एल और डी का ए से, यही रिलेशन देखना है। 90% का 99% बच्चों को इसका आंसर नहीं आया था, क्यों नहीं आया था, क्योंकि बच्चों ने देखा यहां से डी और ए क्या डबल जू और टी का क्या रहा है वैसे माइनस टू, और एल का माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, अब बच्चों ने देखा ए से माइनस टू एक्स में चला गया, तो मैंने स्टार्टिंग में चीज बोली थी एक्स में नहीं जाएगा। जरूरी नहीं कि आपने इधर को सोचना है, किसी बच्चे ने इसको उल्टा सोचना शुरू कर दिया, उसने इस लास्ट वाले को इस लास्ट से जोड़ दिया, ए और डी का क्या है प्लस का टू, आई और एल का यू का प्लस का टू प्लस का टू प्लस का टू, उल्टा सोच लो उधर से माइनस है उधर से प्लस है, तो इसका अगर मैं लिख दूं मान लो यहां पर डी ओ एन ओ आर रहेगा, सही नहीं रहेगा, डी ओ एन ओ आर यानी कि डी ओ एन ओ आर और डाल दो रेशो ए एल के एल ओ, सेटिस्फाइड ए एल के एल ओ, ओ और आर में क्या पी क्यू आर प्लस के दो हो गए, उल्टा करेंगे माइनस के दो जाएंगे, डी और ए में ऊपर से देखेंगे माइनस दो, नीचे से देखेंगे प्लस के दो, कैसे मैंने सोच लो ऊपर से नीचे सोचो, तो सोच अपनी अपनी है। एक क्वेश्चन तो एग्जाम में इस फॉर्म में आएगा ही आएगा, कंफर्म है, दैट्स ऑल। अब आगे हो अगर और भी क्वेश्चन पूछता है, अगर मान लो बेटा पहले क्या होता था पेपर एक होता था पेपर को दो मॉर्निंग एंड इवनिंग, अगर मॉर्निंग सेशन में यह आ जाता है तो इवनिंग सेशन में क्या पूछेगा, वो इवनिंग सेशन में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, उसने पूछा कैन बी रिटन एज या फिर कोडेड एज, कैन बी रिटन एज या फिर कोडेड एज, जैसे उसने बोल दिया क्वेश्चन जे ए सी ओ बी जैकोब कैन बी रिटन एज क्यू जेड एक्स एल बाई, तो क्वेश्चन पूछ रहा वो किरण को क्या बोलेगा या कैंडी को क्या बोलेगा, बहुत इजी है इजीली। अब आपके मन में 99% बच्चों के दिमाग में आएगा जे और क्यू का रिलेशन, कर दी गिनती शुरू जे के आर एम एन ओ पी क्यू आर से, फिर ए और जेड का देखा, बेटा कोई कॉमन सेंस नहीं बनेगी। जहां भी उसने क्वेश्चन में लिखा है कैन बी रिटन एज या कोडेड एज, रिलेशन तो देखना है, लेकिन रिलेशन देखना, देखो भाई जे और क्यू का ए और जेड का देखना है, मैंने पहले बोला था एग्जाम शुरू होने से पहले ही एबीसीडी लिख लेनी आपने, अब हमने लिखा था एबीसीडी में जे और जे कहां रहा ये, क्यू कहां है ये, ए कहां है ये, यानी कि जितने भी अल्फाबेटिक्स है जेकोब एंड क्यू जेड एक्सएल बाई में सभी साइमल्टेनियसली आ रहे हैं, जे का क्यू से रिलेशन है ए का जेड से है, तो सेम मैसेज अगर कैंडी का बनाना है तो सी किसके साथ आ रहा है एक्स ए जेड, इट मीन सी एक्स
ए जेड जो भी आगे आंसर बनाएगा वो आप बनाओगे कि क्या बनेगा ये कैंडी का, एज इट इज किरण का बना सकते हो। तो बेटा ये दो क्वेश्चंस है मोस्ट, ये कहने को दो हैं, बनाने को 500 क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। बट एक अगर आपको रीजन फाइंड आउट करने का वे पता चल गया तो सभी क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।